फ्रेंड्स, लिविंग रूट ब्रिज पे क्या है कि आप आते हो अगर तो यहाँ पर बहुत सारे गाइड्स मिलते हैं। सिंगल डेकर और डबल डेकर दो ब्रिजेस हैं जो कि आपको दोनों कराते हैं। तो यहाँ गाइड ने 700 चार्ज किया है जो कि डबल डेकर ब्रिज तक लेके जाएगा और लेके आएगा। ये एक हाइक रहेगी, रास्ते में मैं आप लोगों को बताता रहूँगा कि कैसे क्या रहा और क्या रास्ता है। आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड। सो ब्यूटिफुल पीपल मेघालय के, और ये लोग आपको 20 रुपीज में ये दे देंगे बैम्बू स्टिक्स जिससे आप चल के जा सकते हो। एंड ये देखिए, इसको मिल गया, हर जगह मिलती है। बिस्किट, यहाँ आपको पानी, खाना, ये थोड़े थोड़े सामान इन जगहों पर मिल जाएंगे डबल डेकर ब्रिज करने के लिए। और स्टिक आपको लेनी हो तो लीजिए, ये देखिए, ये सारी स्टिक्स हैं जो कि ट्रैकिंग में काम आती हैं 20 रुपीस में। ये कहना घर लेके जाओ ये वाली स्टिक। हाँ भैया, घर लेके जाने को बोला ना ये वाली स्टिक। ये है हमारे गाइड जो कि हमारे साथ में रहेंगे। गाइड, ये थोड़ा कैमरा शाय है, सो ये बताते रहेंगे, मैं आप लोगों को बताता रहूंगा नेक्स्ट क्या है। डबल डेकर ब्रिज अगर आप आओगे तो कैसा रहेगा। बाहर की ये मार्केट, मैंने स्टिक ली नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक स्टिक है कैमरे वाली, कीर्ति ने ली है। गाइस, ट्रैक स्टार्ट हो गया है और हमारे गाइड के साथ, इनके पास बहुत प्यारा सा म्यूजिक बज रहा है जो कि इनके बैग में है। वेरी नेसेसरी ऐसी जगह पर म्यूजिक। अच्छा, इधर लिविंग रूट आने का बेस्ट टाइम क्या होगा? अभी तो अच्छा है, अभी अच्छा है। मतलब बेस्ट कौन सा होता है? इससे भी अच्छा कभी होता है कि यही बेस्ट है? अभी ये बेस्ट, लेकिन बारिश का नहीं है तो इसलिए अच्छा। अभी बेस्ट है क्योंकि बारिश नहीं है। अभी बारिश नहीं तो बेस्ट है। अच्छा, बारिश का टाइम आएगा तो बस नहीं, इसलिए बारिश के टाइम पे वहाँ ये स्टेयर्स पूरा सब स्लिपरी हो जाता होगा, पानी यानी गिरता होगा। और अभी से जैसे मान लीजिए दिसंबर आ गया, तो दिसंबर में कैसा रहेगा इधर का मौसम? दिसंबर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन इतनी ग्रीनरी नहीं होगी जितनी अभी हम लोगों को दिख रही है, बिकॉज मानसून जस्ट खत्म हुआ है इधर। बस ओनली दिसंबर जनवरी। अच्छा, ओके गाइस, सो फिर आप लोग आ सकते हैं। आपको पता लग गया कि बेस्ट सीजन क्या, मानसून में थोड़ा सा इशू है बिकॉज ये ट्रैक है और स्टेयर का ट्रैक है। ये देखिए, जैसे मैं जहाँ जा रहा हूँ ये सारी स्टेयर्स हैं। अब इसमें आप समझो पानी अगर भर जाए तो कितने इश्यू होता होगा चलने में। तो इसलिए आप लोग आइए, मानसून के बाद आइए लिविंग रूट ट्रैक करने। ये देखिए कितना स्टीप है, ये है सीधा व्यू, तो आप देखो एकदम नीचे है ये। पूरा अच्छी बात यह है, पूरा सब स्टेयर्स बना रखी हैं, स्टेयर केस है, तो आप इस पे ईजिली चल सकते हो। अगर स्टेयर्स ना होती तो आप देख रहे हो ये कैसी जगह है कि आप कैसे ही जा सकते थे, कितना मुश्किल होता, कितना ज़्यादा मुश्किल होता है ऐसे जाना। ये देखिए एक छोटी सी हट रास्ते में इस ट्रैक के, और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं खाने पीने की और सब कुछ। ये छोटा सा सेटअप है, ब्यूटीफुल सा, के बीच में एक छोटी सी शॉप में आए हैं पानी लेने। भैया पानी कितने का है? एक कोकोनट वाटर भी है क्या? हाँ, कितने का? हाउ मच? दे दीजिए। कोकोनट वाटर है? कोकोनट, कोकोनट लीची या कुछ ऐसा? लीची, हाँ लीची दीजिए ना। ये बहुत अच्छी ड्रिंक है, ये मैंने सबसे पहली बार सिक्किम में पी थी और ये बहुत अच्छी ड्रिंक है। मुझे उसको प्रोपोगेट करने के या वो ब्रांड करने के कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं, बट वो ड्रिंक एक्चुअली अच्छी है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड आओ तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, एक लीची वाली ड्रिंक है, बहुत अच्छी लगती है। सिक्किम में आई गॉट इंट्रोड्यूस विद दिस ड्रिंक, और अब ऑफकोर्स मेघालय में वो होगी भी। एंड कीर्ति, शो दैट, भैया एक और दो ना ये लीची।
वी हैव वन मोर लीची. सो दिस इज द ड्रिंक, वेरी वेरी टेस्टी एंड रिफ्रेशिंग. ये देखिए बटरफ्लाईज आ गई हैं बहुत सारी, जो कि ऐसा गोल चक्कर लगा रही हैं. ये देखिए बटरफ्लाईज, ये स्टीप होता जा रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्टीप है. अब जितना आप उतरोगे उतना ही आप चढ़ोगे. एक रिमाइंडर. ये कह रहे हैं कि पानी को उसको पी सकते हैं, और आप देख रहे हैं क्या मैं पसीने में तर हो चुका हूँ इतने गर्मी. और यू नो व्हाट इट मीन्स, सो पहले तो मैं थोड़ा साफ करूंगा एंड आई विल आल्सो ट्राई टू ड्रिंक इट. इट्स गुड. उतरते हुए कितना प्यारा व्यू आया है, दूर कहीं एक झरना गिर रहा है. ये देखिए हम लोग अभी यहाँ पे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं सीढ़ियाँ. और हमारे गाइड साहब का कहना है कि वहाँ कहीं है डबल डेकर ब्रिज, उधर उस गांव में वो जो दिख रहा है. बहुत दूर है यार, आना तो हिम्मत लेके आना. सो गाइज एक इंटरेस्टिंग खबर अभी आई है कि आगे एक ये लोग बैठे हैं, अगर कोई बीमार हो गया या आप चल नहीं पा रहे हो तो ये लोग उसको, ये डोली कह रहे हैं उसको, कि उसमें आप लेके जाएंगे आप सबको. इनसे पूछते हैं कितने में ले जाते हैं क्या है. ये आप इसमें लेके जाते हैं, कितने चार्जेस होते हैं इसके? 10,000. यहाँ से ऊपर जाना हो? नहीं, हाँ 4,000-5,000 में यहाँ से. जवान आदमी तो 4,000 लेगा, बूढ़ा आदमी तो इसे 6,000-7,000. हाँ वो तो मतलब जितना बीमार है उस हिसाब से, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से पैसा ले लिया जाता है. चार आदमी उठाएंगे तो अब 10,000 के 2,500-2,500 एक को तो मिले ही, इसलिए उसने 10 बोला था. वो चार तरफ से उठाने वाला है और उसको चार लोग उठाते हैं, और एज के हिसाब से है कि अगर आप थोड़ा, और मेरे हिसाब से एज क्या वजन होना चाहिए कि अगर आप हल्के फुल्के से हो तो आपका ऐसा उठाएंगे कम में, और अगर आप बहुत हैवी हो और ऐसा सब है तो आपको आपसे ज़्यादा पैसे लेंगे. लेकिन बड़ी अच्छा है, एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन है. ऐसा नहीं है कि अब चढ़ नहीं पा रहे हैं तो चढ़ ही नहीं पा रहे हैं, फंस गए, ट्रैप हो गए, पुलिस वुलिस बुलाई जा रही है कि इनको लेके जाया जाए ऊपर. बट ये एटलीस्ट एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ऐसा होता होगा और कई बार हुआ होगा, और आउट ऑफ नेसेसिटी ये चीज शुरू करी होगी इन्होंने. सो गाइस एक गांव में एंटर करें हम लोग, सिंगल रूट ब्रिज के जस्ट पहले ये गाँव पड़ रहा है. ये देखिए कौन रहता होगा यहाँ पे, अभी तो ताला दिख रहा है, इधर भी ताला दिख रहा है, बट कितना औसम होगा ऐसी जगह रहना. कुछ दिन तो आप बहुत मजे ले सकते हो ऐसी जगहों पर रह के. कसौल में भी ऐसा ही है कि जंगलों के अंदर छलाल लाल में आप रहते हो. चलिए वो बाद में बताएंगे आपको, पहले ग्लिम्प्स दिखाते हैं थोड़ा सा गाँव की. यहाँ पे ये देखिए लकड़ी काट रहे हैं. ये यहाँ पर टिकट मिलता है सिंगल डेकर का. सर सिंगल डेकर के दो कौन देगा? आप देंगे सर? ये आएंगे आप तो सर मिलेंगे आपसे. तो ये सर मिलेंगे आपसे, और ये देखिए टिकट बना रहे हैं. और चार्जेस अगर आपको देखने हो तो ये देखिए, अडल्ट के 30, चिल्ड्रन 10, कैमरा 20, वीडियो गोप्रो कैमरा 100, शूटिंग फिल्म 500. अच्छा, और यहाँ पर लिखा हुआ है साफ कि आप नीचे नहीं जा सकते हैं, स्पेशली टूरिस्ट्स, और अगर जाएंगे
तो वो भी पनिश होंगे विलेज अथॉरिटी के द्वारा, और विलेज वाले ही सिर्फ जा सकते हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल है, जैसे जैसे पहुंचते जा रहे हैं सिंगल डेकर की तरफ। ये देखिए बगल में ही है व्यू छोटा सा, एंड ये पूरा साथ में स्टीम चल रही है। एक वो देखिए उधर अलग नज़ारा है, इधर गाइस देखिए कितना साफ पानी है। ये भैया तो पी रहे हैं, पूरा मुंह धुल रहे हैं, एंड सिंगल डेकर ब्रिज का रास्ता है ये। भैया कितने स्टेप्स हो गए यहाँ तक? 2500। फाइनली अब नीचे मत जाओ, लिविंग रूट ब्रिज, और इस पे जा सकते हैं ना। हाँ नीचे मत जाओ। हाँ ये देखिए गाइस हम लोग बढ़ रहे हैं स्टेप्स, नेचर का एक अमेजिंग फिनोमेना। ये देखिए ग्रुप मोर देन 2 पीपल इजंट अलाउड एट वन टाइम, ग्रुप दैट इज अलाउड टू कट और डिस्ट्रॉय। वाओ सही है। ये देखिए गाइस This is the Living Borut Bridge, and ये मेरा पहला step इस bridge के ऊपर। What a phenomena, what an amazing phenomena। ये देखिए ये लोग नीचे enjoy कर रहे हैं, यहाँ से आप नीचे जा सकते हो, नहा सकते हो, थोड़ा बहुत fun कर सकते हो, water activity कर सकते हो। But oh man, ये देखिए ये इसी पेड़ की ब्रांचेस हैं, ये इधर है और ये इधर है, एंड ये देखिए वाओ, ये देखिए तो गाइस फाइनली लिविंग रूट ब्रिज पे चलते हुए इस चीज़ के लिए जिसके लिए इतनी दूर से आए हैं, और ये पहला, ये थोड़ा शेक कर रहा है, एंड ओके दिस इज़ लाइक रियली शेकी। और नीचे आप देख रहे हो बैम्बू का है सिर्फ, ये देखिए कुछ भी नीचे ऐसा सच है नहीं, तो वी हैव टू वॉच आवर फुट व्हाइल वॉकिंग। गाइस लिविंग रूट ब्रिज के बीच में खड़े होके एक ड्रीम तो चेकलिस्ट से अब वो हुआ है इंडिया का ही। ये बहुत 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 अमेजिंग, और मुझे प्लांट्स वैसे भी पसंद हैं, आई कैन फील समथिंग अंदर से जैसे कुछ हो रहा है, बटरफ्लाइज आ रही हैं एवरी स्टेप टूवर्ड्स इट। 2000, 2500, 3000, 4000 इज वर्थ इट, इज टोटली वर्थ इट। आप लोग नीचे भी उतर सकते हैं, ये देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ से सब लोग नीचे उतर सकते हैं, और नीचे उतर के देखिए टैटू आ रहा है, देखो पिछली के साथ टैटू आ गया तो मज़ा आ गया।